नना रोहित धुरवे गोंडी समाज ता रिश्ते नाते वहता तोना बहुंग आइन तंग। अर्थात मैं रोहित धुरवे सभी गोंडी समाज की रिश्ते नाते बताना चाहता हूँ कैसे होते हैं। और ये हमारा गोंडी भाषा एपिसोड नंबर 12 है। तादो बाबाल दादा के पिता, तादो अर्थात दादा, दाऊ अर्थात पिता, मर्री अर्थात पुत्र, तंग मर्री अर्थात पोता, फड़ोर तादो अर्थात बड़े दादा, फड़ोर दाऊ अर्थात बड़े पिता, काकाल अर्थात चाचा, फड़ोर काकाल अर्थात बड़े चाचा, आजी दाई अर्थात दादा की जो माँ है, आजी अर्थात दादी, दाई अर्थात माता, मियाल अर्थात पुत्री, तंग मियाल अर्थात पोती, फड़ा आजी अर्थात बड़ी दादी, फड़ा दाई अर्थात बड़ी माता, काकी अर्थात चाची, फड़ा काकी अर्थात बड़ी चाची, तम्मू अर्थात भाई, अंगाल अर्थात बड़ा भाई, नतीजाल अर्थात भतीजा, अति अर्थात बुआ, काकतुम अर्थात चचेरा भाई, तादो मुरहियल अर्थात दादा ससुर, मुरहियल अर्थात ससुर, तला मुरियल अर्थात जेठ, काका मुरहियल अर्थात ससुर का भाई, मिद्दो अर्थात पति, सनंदू अर्थात साला, काका दियाल अर्थात छोटे ससुर का पुत्र, तंगोरार अर्थात जेठ साली, जेठ साली उसका मतलब होता है डेर सास, पेपी अर्थात बड़े पिता, बबाल अर्थात पिता, कोर्रा मर्री अर्थात गोदपुत्र, सेलहर अर्थात बहन, अंगे अर्थात भाभी, नतीजे अर्थात भतीजे, कोरियार अर्थात बहू, काका सेलर अर्थात चचेरी बहन, अजीपुरर अर्थात दादी सास, पुरर अर्थात सास, सेरियार अर्थात जेठानी, काका पुरार अर्थात ससुर के भाई की पत्नी, मायजू अर्थात पत्नी, सरंडाल अर्थात साली, तकाड़ी अर्थात देवरानी, पेपीदाई अर्थात बड़ी माता, अवाल का मतलब भी माता होता है, अवाल का मतलब होता है पिता, ययाल का मतलब होता है नहीं, अवाल का मतलब होता है माता और ययाल का भी मतलब होता है माता, याया का मतलब माता, सन्ने अर्थात दमान, उसको सड़े भी बोलते हैं, अक्को दाऊ नाना के पिता, ममाल अर्थात मामा, येनाल मतलब मामा पुत्र, संगमर्री बहन का पुत्र, संगमर्री का मतलब होता है बहन का पुत्र, सांगो अर्थात मामा की पुत्री, भाटो अर्थात बहन की पति, सगे मर्री अर्थात मामा के भाई का पुत्र, सगे मर्री मामा के भाई का पुत्र, मामी अर्थात मामा की पत्नी, काकोदाई अर्थात नाना माँ, नाना की माँ, काको अर्थात नानी, अक्को अर्थात नाना, सगा समाज तुन रोहित धुरवे सेवा जोहार कियतोर, जय सेवा जय गुणवाना जय फड़ापेन।